वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। चलिए आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कई लोगों को लगता है कि नॉर्सेट को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर गए, तो मैं नॉर्सेट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नॉर्सेट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, नॉर्सेट को अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको 3 से 6 महीने और एवरेज आपको 6 महीने की प्रिपरेशन करनी है। 6 मंथ की प्रिपरेशन में आप नॉर्सेट को बड़े आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, फोर्थ ईयर के विद्यार्थी है, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, वो अपनी प्रिपरेशंस को फोर्थ ईयर में ही स्टार्ट कर ले। और फोर्थ ईयर में आपको प्लानिंग के साथ स्टार्ट करनी है। जो लोग पास आउट कर चुके हैं, क्योंकि जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो बच्चे हैं राजस्थान में, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम मिलता है आपके फाइनल एग्जाम और नॉर्सेट के बीच। फाइनल एग्जाम और नॉर्सेट के बीच आपको 3 महीने का ही टाइम मिलता है। तो अगर आपको इन 3 महीने का भरपूर फायदा उठाना है तो आपको जो प्रिपरेशंस हैं उसको आपको बैक में जाके फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर देनी है। फोर्थ ईयर में अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपके फोर्थ ईयर के अंदर है गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप फोर्थ ईयर को ही ऐसे ट्रीट करें कि यू आर इन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि गायनेक आपको लगभग 30 क्वेश्चन देके जाता है, लगभग 30 क्वेश्चन आपको देके जाता है। कम्युनिटी भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर लेता है। तो अगर आप फोर्थ ईयर को वेटेज देंगे, फोर्थ ईयर को आप ढंग से कर लेंगे, फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उसको एज ए कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको बड़े आराम से जो आपके आने वाले नॉर्सेट है, जैसे आप पास आउट हुए, पास आउट के बाद आपको अगले 3 महीने में नॉर्सेट देना है। जनरली आपका जो नॉर्सेट है वो सेप्टेंबर के अंदर आता है, नॉर्सेट आपका सेप्टेंबर में आता है, और आपके एग्जाम जो जनरली रहते हैं वो अप्रैल के आसपास रहते हैं, अप्रैल मई। तो आपको एवरेज 3 महीने का ही टाइम मिलता है, और उन 3 महीने के अंदर आपको कवर करना होता है पूरा का पूरा सिलेबस। उसमें से आपके पास, अगर आप फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं, तो आप बड़े आराम से आपका पूरा फोर्थ ईयर फोकस करके गायनिक, कम्युनिटी और नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये चारों सब्जेक्ट आप एज कॉम्पिटिटिव, आप एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, उसके क्वेश्चंस को, चाहे आप टारगेट हाई लें, चाहे एनक्लेक्स लें, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइएगा, एनक्लेक्स ले लीजिएगा, और आप उसके क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सॉल्व करते जाइए। और टॉपिक वाइज नहीं भी करें, टॉपिक वाइज आप अगर गूगल पे चले जाएं, अपना टॉपिक डाल दें और उसमें कह दें एनक्लेक्स क्वेश्चन, उस टॉपिक के आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। आजकल गूगल भरा हुआ है क्वेश्चन से, एमसीक्यू से, बस हमें टारगेट करना है कि कहां से मटेरियल कैसे उठाना है। एनक्लेक्स आर एन अगर आप जाते हैं तो वहां पर साइट पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपने टॉपिक डाल दिया और जो टॉपिक डाला उसके 25 क्वेश्चन आ गए, और उसको रेशनल के साथ आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर रेशनल भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप गायनेकोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर ली, कम्युनिटी देख लीजिएगा, कम्युनिटी के आपने प्रिपरेशन कर ली, उसके भी 25 क्वेश्चन थे, 25 से 30 क्वेश्चन, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। रिसर्च छोटा सा सब्जेक्ट है, रिसर्च आपके 60 घंटे का है, तो रिसर्च के अंदर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो सैम्पलिंग्स हैं, उसको अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है, डिजाइन को आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो ये भी आपको मार्किंग देके जाएगा। सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है कॉम्पिटिटिव के अंदर, तो आप यहां पर भी इस तरीके से देख लिया कि अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको यहां से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है रिसर्च के आते हैं वो बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट आपको 5 नंबर देके जाएगी, तो इस बात को अगर आप कवर कर लेंगे तो लगभग आप 25% 50 क्वेश्चन जो है वो आप यहां से प्रिपेयर कर लेंगे। 50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, मतलब आप लगभग लगभग 25% तो यहां से बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, जो फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं, जिनके पास केवल 3 महीने का समय रहेगा अपने एग्जाम से लगाकर नॉर्सेट के बीच। तो ये सब्जेक्ट आप टॉपिक वाइज पढ़ें, डेली आपके पास खूब टाइम रहता है, कॉलेज के बाद आपके पास 8 से 10 घंटे रहते हैं, तो उन 8 घंटे के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसे निकालें जिसके अंदर आप अपनी स्टडी को, आप दोनों आयाम पूरे कर लेंगे, आप अच्छे से टॉपिक वाइज सिलेबस को भी पढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपनी फोर्थ ईयर की प्रिपरेशन भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप एमसीक्यू को भी एक पैटर्न के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपने एनक्लेक्स की तरफ भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये तरीका आपका कॉम्पिटिटिव को लेकर चलना है, ताकि आप अपने सिलेक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का कर सके।
क्योंकि बिरले ही लोग होते हैं जो फोर्थ ईयर पास आउट हुए, 3 महीने के अंदर नौकरी हाथ के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी 4600 ग्रेड पे 80 से 90 हजार जिनकी सैलरी होती है। तो इसको मिस ना करें, जो प्लान करके आए फिर बाद में आपको कोचिंग अटेंड करना है, बहुत सारी चीजें हैं, बाद में जाके फिर आप 6 महीने 12 महीने फिर पास करोगे तो उसमें टाइम लगेगा और आप कहीं ना कहीं अपने क्लासमेट से पिछड़ जाओगे। तो फोर्थ ईयर में आप तैयारी को अच्छे से करें। अब बच्चे बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप माइक्रो प्लानिंग करें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, एमएसएन है, साइकेट्रिक है, एमएसएन साइकेट्रिक एंड पीडियाट्रिक, ये भी सब्जेक्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सब्जेक्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। फोर्थ ईयर के अंदर आप उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस पे? गायनिक पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कम्युनिटी पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप रिसर्च एंड मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके प्राइमरी सब्जेक्ट है, आपको फोर्थ ईयर का एग्जाम भी देना है और साथ साथ आपको कॉम्पिटेटिव की तैयारी भी करनी है। अब आ जाइए इन सब्जेक्ट पे, फंडामेंटल, एमएसएन साइकेट्रिक एंड पीडियाट्रिक, ठीक है। इनको आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है, पीडियाट्रिक एमएसएन एंड साइकेट्रिक, ये आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है, थर्ड ईयर का आपको कुछ नॉलेज है। पीडियाट्रिक आपके 90 घंटे की है थर्ड ईयर के अंदर, तो पीडियाट्रिक का आपको नॉलेज है, तो पीडियाट्रिक के आप छोटे छोटे टॉपिक जो आपके कोरिलेट हो रहे हैं किसके साथ, गायनिक के साथ, क्योंकि कई टॉपिक्स हैं ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे, जैसे फीटल स्कल वगैरह है, कई डिजीजेज हैं जो आपके इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, कुछ साइकेट्रिक के टॉपिक है जो पीडियाट्रिक के साथ कवर हो रहे हैं, जैसे थ्योरीज हैं, तो वो आपको इनके साथ कोरिलेट करके चलना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कम टाइम में कैसे कवर कर सकें। साइकेट्रिक पढ़नी है तो साइकेट्रिक को आप 30 से 35 घंटे में थ्योरी निपटा दें, 30 से 35 घंटे 40 घंटे के अंदर आप इसकी थ्योरी को निपटा दें, क्योंकि आपको इतना टाइम आराम से मिल जाएगा। फोर्थ ईयर आपके पास पूरा साल है, बट आपको उस फोर्थ ईयर को एज अ कॉम्पिटिटिव ट्रीट करना है, तो आप 3 महीने में जो आपका सितंबर में एग्जाम होता है उसमें आप सिलेक्शन को बड़ी आराम से ले लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लेंगे, पहला नॉर्सेट पहला सिलेक्शन, और वो भी अच्छी रैंक के साथ। चलिए अब फंडामेंटल को, आप फंडामेंटल क्योंकि वास्ट है, फंडामेंटल एंड एमएसएन, आप फंडामेंटल और एमएसएन को पढ़ने का तरीका बता देता हूं। पहले आप एनाफिजिया उठाएं किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे आपने ले लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया उसकी एनाफिजियो को कंप्लीट कर लें, लगभग आप इसको कवर कर लेंगे एनाफिजियो को 2 घंटे के अंदर, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आप 2 घंटे के अंदर एनाफिजियो कवर कर लेंगे। उसके बाद उसके डिजीज पोर्शन पे आ जाइए, डिजीज पोर्शन पे आप देखिएगा, डिजीज में आपने देख लिया न्यूमोथोरेक्स, सीओपीडी, अस्थमा, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनको देख लिया, जैसे मैंने आज पढ़ लिया सीओपीडी, आज मैंने पढ़ा सीओपीडी, मैंने डाला गूगल के अंदर सीओपीडी एंक्लेक्स एमसीक्यू, राइट, बस यही करना है, सीओपीडी एंक्लेक्स एमसीक्यू, सीओपीडी से जितने रिलेटेड, क्योंकि आप एंक्लेक्स जाओगे, एंक्लेक्स के अंदर जाओगे तो आप सीओपीडी क्वेश्चन कहां ढूंढोगे, बस आप जाइएगा सीओपीडी गूगल पे डालिएगा एंक्लेक्स एमसीक्यू, आपको एंक्लेक्स आरएन पे सीओपीडी के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे सीधे, तो आपको 25 से 30 एमसीक्यू मिल गए। आज टॉपिक पढ़ा, आज मैंने इसके 25 के 30 एमसीक्यू लिए विद रेशनल, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल मोबाइल का जमाना है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न बनाइए, मोबाइल अपने हाथ में है तो उस मोबाइल को सही यूटिलाइज करिए, और सही यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। तो आपने जैसे ही आप ट्रैवल कर रहे थे कॉलेज से लगाकर, आपकी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, 20 में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप आज सुबह मॉर्निंग में सीओपीडी पढ़ के आए, आपने खोला सीओपीडी और बस में बैठे बैठे हमने 25-30 क्वेश्चन सीओपीडी के बड़े आराम से निकाल लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अलग अलग सेट में करते रहिए, जो टॉपिक पढ़ा उसको रेशनलाइज एमसीक्यू साथ ही सॉल्व कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर लें या कॉपी पेस्ट करके कहीं और डाल दें, था उसको आपको नोट के अंदर सेव कर लीजिए, जब भी जरूरत पड़े उसको आप रिवाइज कर लें। इससे तो स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो पहले में आपको सफलता जरूर मिल जानी है। तो ये तरीका हुआ आपका डिजीज पोर्शन को पढ़ने का। अब उसके बाद आप इसी का फंडामेंटल ले लीजिएगा, इसी के फंडामेंटल में आप क्या पढ़ोगे, तो ऑक्सीजन डिलीवरी पढ़ लिया हमने, मैकेनिकल वेंटिलेटर पढ़ लिया हमने, पोस्टुरल ड्रेनेज पढ़ लिया, ट्रेक्योस्टॉमी पढ़ लिया, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पढ़ लिया, राइट। तो ऑक्सीजन, मैकेनिकल वेंटिलेटर, पोस्टुरल ड्रेनेज, ट्रेक्योस्टॉमी एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम,
ये सारे टॉपिक हमने इसी के साथ कवर कर लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिया कोरिलेटिव दिया सीओपीडी। सीओपीडी पढ़ोगे और आप ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि सीओपीडी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके से आप ऑक्सीजन डिलीवर करोगे सीओपीडी वाले पेशेंट में। तो आपको ऑक्सीजन की डिवाइसेस पता है, तब आप जवाब दे पाओगे कि हाँ मुझे किस तरीके से आंसर करना है, कौन सा आंसर करना है। तो अगर इनको कोरिलेट, अब ये पूरा आपका एनाटॉमी भी कवर हो गया, एमएसएन भी कवर हो गया और साथ में फंडामेंटल भी कवर हो गया, एक साथ एक लाइन में सारे सब्जेक्ट कवर। एक दिन में आप एक डिजीज लीजिए, सीओपीडी लिया है तो सीओपीडी के साथ साथ ऑक्सीजन डिलीवरी ले लीजिए, न्यूमोथोरेक्स पढ़ा था, वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ लीजिएगा। तो आप मल्टीपल मल्टी डायमेंशन अप्रोच यूज करेंगे तो आपकी समझ शक्ति बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और आप बड़े आराम से कम टाइम में सिलेबस को फास्ट तरीके से कवर कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर मैं सीओपीडी पढ़ रहा हूं और मैं फंडामेंटल आज से 10 12 15 दिन बाद पढ़ रहा हूं और वहां ऑक्सीजन डिवाइस पढ़ रहा हूं, तो मेरा सीओपीडी पढ़ना वहां वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सीओपीडी के अंदर जो चीजें कवर हो रही है साथ ही साथ मेरी पाइपलाइन में होंगी, तो मुझे इजीली टॉपिक को कवर करने में, टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो मैंने एक सिस्टम का आपको बता दिया, बस आप उस तरीके से बाकी सिस्टम को भी करिएगा। आप बड़ी आराम से, कब आपका फंडामेंटल खत्म हुआ, कब आपका एमएसएन खत्म हुआ, कब आपका रेस्पिरेटरी खत्म हुआ, 5 दिन आप एक सिस्टम में ले लीजिए। 5 दिन बहुत होते हैं एक सिस्टम में, बड़े आराम से आप टॉपिक वाइज कर पाएंगे। तो आपको आपको ये बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे फंडामेंटल एमएसएन खत्म करके फंडामेंटल खत्म करना है। अरे भाई, एमएसएन के साथ साथ फंडामेंटल वैसे ही खत्म हो रही है, इज दैट एनाटॉमी वैसे ही खत्म हो रही है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो सिलेक्शन आपका बहुत ईजी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे लेना है। इज दैट क्लियर? तो आप अपनी प्लानिंग के साथ करें, ऑल द बेस्ट।